ट्रेडर्स, मैं ट्रेडर्स इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिए हैं और वो अभी ट्रेडिंग के लिए रेडी है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आखिर मार्केट में पैसा कैसे बनता है। और जो लोग ये समझ नहीं रहे हैं, इस वजह से वो अपना पैसा मार्केट को दे रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े लॉस कर रहे हैं। दोस्तों, मार्केट में काम करना यानी कि मार्केट से पैसे बनाना बहुत ही सरल सिंपल है, लेकिन वो सरल सिंपल कब होता है? जब आप मार्केट को अच्छे से समझने लगते हो, जब मार्केट को आपको थोड़ा समय देना होता है मार्केट को जानने के लिए और मार्केट को सीखने के लिए। सरल सिंपल एग्जांपल है दोस्तों, आपको 10वीं कक्षा तक जाने के लिए आपको स्कूल में 10 साल के लिए जाना पड़ता है, लेकिन मार्केट में काम करने के लिए आपको सिर्फ एक डीमैट अकाउंट ओपन करने की जरूरत है। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि डीमैट अकाउंट में अभी पैसे डाल दिए हैं तो हम ट्रेडर बन चुके हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इस वजह से बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं और मार्केट के बारे में उनकी एक अलग सोच हो चुकी है कि मार्केट से कभी पैसा नहीं बनेगा या फिर मार्केट से कभी पैसा नहीं बनता। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, मार्केट के प्राइस एक्शन को अगर आप समझेंगे या फिर मार्केट में काम कैसे किया जाता है, मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाता है, ये अगर आप प्रॉपर तरीके से जान लोगे, सीख लोगे, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी मार्केट से पैसा बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, बेस्ट गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही ट्रेडिंग की बारीकियां सीखनी है तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा, इसके लिए आपको हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लेना होगा। दोस्तों, मार्केट में ट्रेंड के साइड में काम चलता है अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। अगर आप मार्केट की ट्रेंड को समझ लेते हो, यानी कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है या फिर सरल सिंपल भाषा में मार्केट अभी नीचे गिर रहा है, आपको कोई भी एक चीज यहाँ पर समझ लेनी है कि मार्केट में आखिर ट्रेंड कौन सा है, ऊपर जाने का ट्रेंड है या फिर नीचे जाने का ट्रेंड है। 30% मार्केट में ऐसे दिन होते हैं कि जब मार्केट वन वे यानी कि लगातार ऊपर जाने में लगा रहता है और या फिर लगातार नीचे जाने में लगा रहता है, और 70% दिन ऐसे होते हैं कि तब मार्केट साइडवेज होता है, यानी कि मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स हैं वो कोई भी डिसीजन नहीं कर पाते प्राइस के बारे में, या तो वो प्राइस को ऊपर भी नहीं ले जा सकते या फिर वो प्राइस को नीचे भी नहीं ले जा सकते। ऐसे जो दिन होते हैं उन दिनों को हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। तो अभी तो आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा कि मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। अभी आपको यह समझना है कि अप ट्रेंड में आपको सपोर्ट पर ध्यान देना है, यानी कि सपोर्ट का मतलब क्या है, यानी कि प्राइस अगर गिरते हुए आ रहा है और यहाँ पर प्राइस अगर कैंडल्स बना रहा है, यानी कि बाइंग कैंडल्स बना रहा है, यहाँ पर ऐसे बिग वगैरह हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कैंडल इस प्राइस के नीचे यहाँ पर क्लोज नहीं कर रही है, ऐसे जब प्राइस किसी रेंज में बना रहेगा तब आपको वहां पर समझना है कि ये एक तरह का सपोर्ट है, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर जब ये कैंडल्स बनती रहती है तब आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ये रेंज ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में मूवमेंट करता है उसके भी बहुत अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, ये सब हम आगे की वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी आप सरल सिंपल ये सीख लो कि अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आप ये मान लो कि यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जब मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा है यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको सपोर्ट पर ध्यान देना है, यानी कि प्राइस उस जगह पर आकर फिर से वापस ऊपर जाने में लगा रहता है तो उस जगह को हम सपोर्ट कहते हैं। और अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको वहां पर रेजिस्टेंस पर ध्यान देना है, और अगर मार्केट में ये दोनों भी ट्रेंड नहीं चल रहे तो इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है, तो साइडवेज मार्केट में आपको प्रीवियस जो स्विंग हाइज और लोज बनते हैं उन पर ध्यान देना है। अब साइडवेज मार्केट में हम जो 15 मिनट्स का चार्ट होता है तो उस 15 मिनट के चार्ट पर जो प्रीवियस हाई और लो होते हैं उन्हें देखकर ट्रेड करते हैं। साइडवेज मार्केट में हमें बड़े बड़े टारगेट्स नहीं मिलते, साइडवेज मार्केट में हम उन्हें 50 से 80 पॉइंट तक के मूव एकदम इजीली मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको मार्केट का एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको मार्केट को थोड़ा समय देना है और मार्केट के साथ थोड़ा समय बिताने के बाद आपको मार्केट का बिहेवियर समझ में आने लगता है। बहुत सरल सिंपल चीज है, ऐसे ही अगर आप डेली सुनोगे सीखोगे तो आप मार्केट में पैसा जरूर कमाओगे। दोस्तों, मेरा ये बताना आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लेना है। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।